शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। इसे हमने पार्टी स्टाइल में बनाया है और बिना भिगोए हुए ही हम इसे फटाफट से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दानेदार हलवा बनकर के तैयार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितने यम्मी और दानेदार हलवा बनकर के तैयार हुआ है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसे बनाया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप लोग भी मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 500 ml दूध और एक कटोरी हमने मूंग दाल लिया है करीब 300 ग्राम और 250 ग्राम हमने चीनी लिया है। देख सकते हैं कि एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। और एक कटोरी हमने घी लिया है, घी को हमने मेल्ट कर लिया है पहले। और हरी इलायची का पाउडर लिया है 1/2 चम्मच। 8 से 10 हमने काजू और बादाम किशमिश लिए। तो अब हम काजू और बादाम को अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन करके पैन चढ़ाया है और पैन जैसे ही गर्म होगा हम इसमें मूंग दाल डाल देंगे और उसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो गैस पर इसे हम लगातार चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और दाल में से खुशबू नहीं आने लगे। तो करीब 5 मिनट हमें लगे थे दाल को भूनते हुए। देख सकते हैं कि दाल का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। यहाँ हमारा दाल परफेक्ट भून चुका है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और फिर भी हम इसे 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे दाल को, क्योंकि पैन तो गर्म होता है तो दाल को जलने का डर होता है, इसलिए हम इसे गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी चलाते रहेंगे। अब हम दाल को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ दाल हमारा परफेक्ट ठंडा हो चुका था। अब लेंगे हम मिक्सी का जार और सारे दाल को हम उसमें ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हमने सारे दाल को मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसके बाद इसका हम फाइन पाउडर तैयार करेंगे। दाल को हमने देखिए पीस लिया है मिक्सी के जार में। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सारे पीसी हुई दाल को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। अब हमने गैस ऑन करके फिर से वही पैन को 2 बजकर चढ़ा दिया है और उसमें हमने डाला है 2 से 3 चम्मच घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसके बाद हम सारे ड्राई फ्रूट को इसमें डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को हमने कट कर लिया है। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो लगातार 2 से 3 मिनट तक हमने ड्राई फ्रूट को मीडियम गैस पर भून लिया है और देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट को एक प्लेट में निकाल लिया है, जिस प्लेट में हमने ड्राई फ्रूट को कट कर लिया था। तो अब हम इसी पैन में 2 से 3 चम्मच और घी डालेंगे और अब हम जो हमने दाल पीसा है उसे डाल करके अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो पीसी हुई दाल डाली थी उससे जो घी है तो दाल ने पूरे एब्जॉर्ब कर लिया है घी को और इसे हम लगातार इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो करीब 5 मिनट लगे थे हमें दाल को भूनते हुए और इसका कलर जो देख सकते हैं आपको मैं नजदीक से दिखा रही हूँ, देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर आया है हलवे। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ हमने सारे दूध को डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी से आप लीजिएगा दाल उसी क्वांटिटी से आप, जैसे कि मैंने 300 ग्राम दाल लिया था और 500 ml दूध लिया है, उसी हिसाब से आप इसमें दूध डाल दीजिए तो परफेक्ट हलवा बनकर के तैयार होगा। अब हम गैस को एकदम लो करेंगे और इसे लो गैस पर लगातार हम चलाते रहेंगे। दूध डालने के बाद हलवे को छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये अंदर से चिपकने लगे और इसमें लम्स भी पड़ने लगेंगे। तो यहाँ हमने लगातार इसे छोड़ा नहीं है, लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमारा जो हलवा है देख सकते हैं कि गाढ़ा होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर दिया है और इसमें साथ साथ हरी इलायची भी हमने डाल दिया है। तो अब हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाए। और चीनी डालते ही देख सकते हैं कि हलवा है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, थोड़ा सा और गीला हो चुका है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हलवा आधा सूख नहीं जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि हलवा है वो अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चिपकने लगेंगे। अगर आपको लगे कि हलवा थोड़ा चिपक रहा है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमने देखिए घी इसमें ऐड कर दिया है और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे
जैसे जैसे हलवा भूनते जाएगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होगा और ये दानेदार बनने लगे। तो करीब 10 मिनट लगे थे हमें हलवे को चलाते हुए। तो इस तरह से स्पैचुला से हमने लगातार इसे चलाते रहा है और उसके बाद देख सकते हैं कि हलवा है वो बिल्कुल दानेदार बनने लगा है। तो इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुका है। हलवे ने पैन छोड़ दिया है। तो हलवे की पहचान यही है जब ये आखिरी स्टेज पर आएंगे, मतलब कि हलवे जब बनकर के तैयार हो तो ये नीचे से अपना जो घी छोड़ने लगेगा, उसके बाद ये दानेदार देखिए ये सूखने लगेगा। तो हमारा जो हलवा है बनकर तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने हलवे को एक बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर से थोड़े से और ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। परफेक्ट हमारा हलवा बनकर के तैयार है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।